Oke, menarik aja. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद आकिब और आप सबको वेलकम करता हूँ बजीज़ वर्ल्ड में। साथ ही साथ उम्मीद रखता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स खैर खैरियत से होंगे और बीमारी परेशानी से दूर होंगे। आज जो है आप लोगों को कराची का ज़ू विज़िट करवाना है और इंशाल्लाह साथ ही साथ बर्ड्स के बारे में भी बहुत नॉलेज दूंगा। पिंजड़े खाली हुए मैं सारे आ गया हमारा लंगूर, गोल्डन लंगूर। हाँ ये तो तोते तो नहीं इधर ये ढाए पहाड़ी तो का वो देख मोर मकाओ तो स्पेस इन लोगों ने बहुत ज्यादा दी हुई है। ये कौन सी इसमें पेंटागोन में नारंगी बाजुओं वाले तोते या गए पहाड़ी तोते अच्छा। पिंजरे इनके साइज जो हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे रखे हैं, बड़े रखे हैं। सो आप लोग एक दफ़ा देख लें, नेस्टिंग वगैरह के लिए शेल्फें लगाई हुई हैं इसके लिए, तो बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। बट तोते बहुत कम हो गए इस दफ़ा। ये बीमार हुआ हुआ इस तरह के केजेस बंदा रख ले सुकून में आता है। इधर मेरे ख्याल से मोर रखे हैं इन्होंने, हाँ मोर हैं इधर। बट चिड़ियाघर जैसी पहले बात थी वो तो नहीं है, लेकिन चले इन्जॉयमेंट हो रहा है। आप लोग साथ रहिएगा, आपको बर्ड्स भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ जो है इनकी नेस्टिंग मटेरियल भी दिखाऊंगा। सही ये आ गई मेरे ख्याल से फाख्ता, तो इधर देखते हैं।
माशाल्लाह। जो भाई जिन्होंने फाकतें रखी हैं तो आप लोग भी ज़रा नेस्टिंग मटेरियल देख लें सबका। ये नेस्ट लगे हुए इनके और ऑस्ट्रेलियन भी है इसके बीच में। अरे वाह, वो छोटा सा बच्चा ऑस्ट्रेलियन का दिखेगा आपको। इधर ऑस्ट्रेलियन आया कैसा, ये सोचने वाली बात है। खैर, साथ नीचे मोर भी हैं और ये ऑस्ट्रेलियन, ये पता नहीं किसने डाल दिया यहाँ पे। खैर, फाख्ता है, फाख्तों का सेटअप अच्छा है, वो आपको अंडा दिखेगा इनका। बाकी भी मेरे ख्याल से अंडे दिए हैं मैं काफ़ी उन्हें। ये छोटा सा तीतर बैठा हुआ है, बटेर, आई डोंट नो। ये देखें जी, जिनके पास फाख्ते हैं तो वो देख लें, इतने बड़े केज में आप ऑस्ट्रेलियन भी रख सकते हैं इसके अंदर। खैर, और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ साथ ही साथ। टर्की, मुर्गी फीसेंट, कितना ऊंचा केज है इसका। ये रहा माशाल्लाह, काले बाजू वाला मोर। चीनी मुर्गी, ये आ गई चीनी मुर्गी। केजीज इन लोगों ने बड़े ऊंचे लगाए हैं मैं सबके। खैर, बाकी पिंजरे मेरे ख्याल से खाली है। ये आ गए हाथी, हाथी के बच्चे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, हाथी के बच्चे। बच्चे कबूतर, बस एक ही है। नहीं, कबूतर तो पेटी में से ब्रीड ले रहे हैं। वाओ, सही। वो बेचारी एक ही बैठी हुई है। पिंजरे इतने बड़े बड़े हैं और यहाँ पे कोई उस लिहाज से ना परिंदा है ना कोई जानवर है। मैं समझ रहा था ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स भी होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे तो नहीं दिखा अभी तक कोई बर्ड। यहाँ कोई मकाव वगैरह की इतनी ख़ास ब्रीडिंग दिखी नहीं है। केजीज बहुत बड़े बना दिए हैं, नेस्टिंग लगा दी है, बट उनका कोई ख्याल वगैरह इतना अच्छा नहीं हो रहा है। खैर, आपको दिखाता हूँ आज पूरा ज़ू।
कांटों वाला चूहा जिसे कहते हैं हम लोग। इधर क्या है? इधर बिल्ली है मेरे ख्याल से, हद हो गई, बिल्लियाँ रखी हुई हैं सिर्फ। ये जला खा रहा है अहमद, ये रहा मैं तू डरा मैं हां हां बात अम्मी आ Mm-hmm.